Cemşehir'i. Please let me know if my... Yeah, please let me know. Thank you. मैं अपनी बात को अब आगे हिंदी में जारी रखूंगा. मेरा आज का विषय जो मैंने चुना है वो भारतीय संगीत की ताल पद्धतियों का अवलोकन सातत्य एवं परिवर्तनशीलता के आलोक में. सबसे पहले इस विषय के चुनाव के पीछे क्या कारण थे मैं उसका संक्षेप में यहाँ पे वर्णन करना चाहूँगा. हम लोग सभी जानते हैं कि स्वर, ताल और पद ये तीन हम लोग के संगीत के मुख्य घटक माने जाते हैं. और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी उन्होंने गांधर्व की जो व्याख्या की है, गांधर्वम त्रिविधम स्यात् स्वर ताल पदात्मकम, यहीं से हम लोग की संगीत की जो मूल परंपरा है जिसे हम कह सकते हैं. उसके पूर्व भी संगीत की परंपराएं थीं, लेकिन शास्त्रबद्ध रूप में जहाँ से हमें संगीत का ज्ञान प्राप्त होता है वह नाट्यशास्त्र से होता है. और इसमें स्वर और ताल और पद इन तीनों को समान रूप से भरत मुनि ने उनको महत्व दिया है. और किसी एक को हम इसमें से गौण नहीं कह सकते, किसी एक को महत्वपूर्ण नहीं कह सकते. सभी की अपनी अपनी उपयोगिता है. तो मैं चूँकि आज ताल पद्धतियों पर बात करूँगा, तो सबसे पहले ताल क्या है इस विषय को समझना संक्षेप में मैं बता रहा हूँ. आप सभी विद्वान हैं, बस कुछ चर्चाओं को मैं आगे बढ़ाऊँगा. यहाँ पर ताल जो है वह देखा जाए तो सृष्टि के आरंभ से ही हर चीज़ लय के साथ संबद्ध है. कोई भी वस्तु सूक्ष्म से सूक्ष्म हो या विशाल से विशाल हो, वह अपने साथ एक लय को हमेशा जोड़ती रहती है. हम दर्शन की भाषा में कहें या आज के भौतिकी की भाषा में कहें, इन सब चीज़ों का आज प्रमाण मौजूद है कि कोई भी वस्तु बिना स्पंदन के नहीं प्रस्फुटित हो सकती है, चाहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु हो, चाहे विशाल से विशाल हम लोग के ग्रह हो. इन्हीं तत्वों को देखते हुए आचार्यों ने, मनीषियों ने, हम लोग के ऋषि महर्षियों ने विवेचन द्वारा लय की अवधारणा को स्थापन किया. और लय के ही क्रमबद्ध और विभागजन्य स्वरूप को हम ताल कह सकते हैं. ताल के संबंध में जो भरत मुनि का कथन है उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा. वाद्यम तु यत घनम प्रोक्तम कलापात लयान्वितम कलास्तस्य प्रमाणम ही विज्ञेयम ताल योगतः. ये नाट्यशास्त्र में 31वें अध्याय में भरत मुनि द्वारा ताल के संबंध में एक परिभाषा, संक्षिप्त परिभाषा वहाँ पर दी गई है. और इसमें उन्होंने कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग किया है जिस पर आगे मैं चर्चा करूँगा, कला, पात और लय. इसके बाद अन्य बहुत सारे आचार्यों ने ताल को परिभाषित करने के अपने प्रयास किए, जिसमें संगीत रत्नाकर के परिभाषा को अगर न व्यक्त किया जाए तो वो अधूरा रह जाता है. तालस तल प्रतिष्ठम याति धातुर्घई स्मृत गीतम वाद्यम तथा नृत्यम यतस्ताले प्रतिष्ठितम. उन्होंने, आचार्य शारंगदेव ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि गीत हो चाहे वाद्य हो, यानी वाद्य संगीत हो चाहे नृत्य हो, ये सभी जिस धरातल पर वो प्रतिष्ठित होते हैं वही ताल है. ताल की इससे सटीक व्याख्या जो है वो अन्य आचार्यों के भी बहुत सारे मत हैं, लेकिन इसकी सटीकता जो है आचार्य शारंगदेव की व्याख्या की बहुत ही महत्वपूर्ण है. उन्होंने तल धातु में घई प्रत्यय के द्वारा योग से उन्होंने ताल शब्द की उत्पत्ति बताते हुए बताया है कि सभी के सभी गीत, वाद्य और नृत्य ये सभी ही ताल के ही आलोक में प्रतिष्ठित होते हैं. इसके पश्चात कुछ अन्य आचार्यों के मत, जैसे संगीत दर्पण में ये आध्यात्मिक दृष्टि से उन्होंने तकारे शंकर प्रोक्तो लकारे पार्वती स्मृता शिव शक्ति संयोगात ताल नामाभिधीयते. ये उनकी दार्शनिक अभिधारणा है कि ताल में जो दो अक्षर आ रहे हैं तकार और लकार, त से उन्होंने
शंकर का भी अभिधान किया है और ल से पार्वती का। इस प्रकार से शिव और शक्ति के संयोग से उन्होंने ताल का नाम का वर्णन किया है। यहाँ पर एक याग्वल स्मृति का भी एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है जो ताल के संबंध में ही है। वीणा वादन तत्वज्ञः श्रुति जाति विशारदः तालज्ञस्य प्रयासेन मोक्ष मार्ग प्रयच्छति। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ताल के बिना कोई भी संगीत का कोई भी प्रकार हो, चाहे गीत कर रहे हैं हम लोग, गायन कर रहे हों, वादन कर रहे हों या नृत्य कर रहे हों, अगर उसमें ताल का संयोग नहीं होगा तो हम मोक्ष मार्ग तक नहीं पहुंच सकते हैं, यानी वह अपने आप में स्थापित नहीं हो सकता। अब मैं आता हूं अपने अगले स्लाइड पर। प्राचीन काल के ताल पद्धति जो नाट्यशास्त्र में वर्णित थे, मार्गी ताल, ये मार्गी और देशी जो दो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, इनका जो सबसे पहले अगर परिभाषा देखी जाए तो संगीत रत्नाकर में प्राप्त होती है, लेकिन नाट्यशास्त्र में भी इन दो शब्दों के ही समकक्ष रूप में गांधर्व और गान, ये दो शब्दों का भरत मुनि ने वर्णन किया है। गांधर्व को उन्होंने देवस्तुति परक और अपरिवर्तनीय माना है, और गान के संदर्भ में उनका कहना था कि गान जो है वो परिवर्तनशील है, जैसा जैसा नाट्य में आवश्यकता हो वैसा वैसा आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दो कोटियों के अंतर्गत ही ताल की भी अपने आप ही दो भक्तियां बन जाती हैं। अगर मार्ग तालों की बात की जाए तो उन्होंने मार्ग तालों के प्रयोग को, भरत मुनि ने गीतक के साथ प्रयोग की बात को स्वीकारा। गीतक वही प्रकार है गीत का जिसको उन्होंने गांधर्व के अंतर्गत अपरिवर्तनीयता के साथ उसको जोड़ा था, और ध्रुवा जो दूसरी उनकी गान की पद्धति थी जिसको उन्होंने गान के अंतर्गत रखा, इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि ताल का जैसा जैसा आवश्यकता हो वैसा आप प्रयोग करें। यह बता देना, स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मार्गी ताल के साथ साथ देशी ताल नाम से कोई अलग से नाट्यशास्त्र में हमको शब्दावली नहीं मिलती है। उन्होंने कहा है केवल कि जैसा जैसा आपको ध्रुवा के साथ प्रयोग किया जाए, यदि आपको एक तरह से स्वच्छंद कर दिया गया, एक तरह से आपको मुक्त कर दिया जाता है इस ताल पद्धति में कि आप कुछ भी अपने ढंग से जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मार्ग तालों पर संक्षेप में जो है कुछ चर्चा करूँगा। मार्ग ताल जो हम लोग सभी जानते हैं कि पांच तालों को, इनके संख्याओं को भी नियत किया गया था और इनके स्वरूपों को भी नियत किया गया था। इन दोनों को लेते हुए यहाँ पर पांच मार्ग तालों का आपको स्वरूप भी दिख रहा होगा स्क्रीन्स पर। चच्चकपुट जो पहला ताल है उसके परिभाषा के रूप में नाट्यशास्त्र में जो परिभाषा है, प्रथमम गुरुणी कृत्वा लघु चांत्यम प्रुतम तथा अक्षराणाम निवेशेन सतु चच्चकपुतस्तदा। तो इस ताल के जो स्वरूप है उसके संबंध में भरत मुनि ने कहा है कि इसमें आदि में दो गुरु और उसके पश्चात एक लघु और प्लुत। यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि यह जो ताल का स्वरूप हम देख रहे हैं इसमें केवल तीन प्रकार के ही इकाइयों का प्रयोग किया गया है, लघु, गुरु और प्लुत। अब इन इकाइयों पर अगर हम लोग थोड़ी चर्चा करें तो ये इकाई आए कहाँ से, तो वैदिक काल से ही छंद शास्त्र का बहुत व्यापक भारतीय परंपरा में विकास हुआ है, और वैदिक परंपरा में अगर हम देखें तो ये तीन इकाई लघु, गुरु और प्लुत, इन तीनों इकाइयों से ही सारे के सारे छंद का वहाँ पर वर्णन किया जाता था। तो भारतीय संगीत का भी मूल चूँकि सामवेद से जुड़ा हुआ है, और प्राचीन में ही हम लोग साहित्य संगीत सब कलाओं को एक साथ ग्रहण करते हैं वेदों से, तो संगीत कला में भी जो ताल का प्रारंभिक स्वरूप है, ये जो मार्ग तालों का स्वरूप है, ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से छंद शास्त्र पर आधारित है। छंद में जो लघु, गुरु और प्लुत, इनके कुछ मान को भी निर्धारित किया गया था, काल मान को भी निर्धारित किया गया था। इन काल मानों को निर्धारण के समय वहाँ पर और कोई इकाई ना होने पर निमेश का प्रयोग किया जाता था। हम लोग की जो आंखों की पलक को झपकाने का जो समय है इसे शास्त्रों में निमेश के नाम से परिभाषित किया गया,
और छंद शास्त्र में चूंकि शब्दों के साथ वहाँ पर गेयता नहीं थी साहित्य में, इसीलिए छंद में एक निमेश को एक लघु मान लिया गया, दो निमेश को गुरु और तीन निमेश के कालमान को प्लुत माना गया। लेकिन जब उसे संगीत के संदर्भ में लागू किया जाने लगा तब भरत मुनि ने ही इस बात को समझा कि एक निमेश यानी एक बार के पलक झपकाने का जो समय है वो अत्यंत ही कम है, और इस कम जो समय में संगीत के स्वरों की प्रस्फुटन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए वहाँ उन्होंने जो है एक नियम बनाया कि पाँच निमेश के कालमान का जो समय होगा उसको एक लघु माना जाए, और लघु का दुगुना चूँकि गुरु होता है इसीलिए पाँच के साथ वो 10 निमेश का कालमान गुरु का हो गया, एवं लघु का ही तिगुना या गुरु का 1.5 गुना ये जो संख्या है ये प्लुत कहा जाता है ये 15 निमेश का हो गया। यहाँ पर जो आप यहाँ पर अक्षर देख रहे हैं इसको मैंने विभाग रूप में बांटा जरूर है, इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ऐसा कोई विभाग वहाँ पर नहीं निर्धारित था लेकिन वहाँ पर अपने आप ही गुरु गुरु लघु प्लुत इनके कालमान को जब हम व्यक्त करते थे तो अपने आप ही वहाँ पर विभाग भी जन्य हो जाते थे। तो ये जो हम लोग बहुत सारी चीज़ें संगीत शास्त्र में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यूस रूप से हम लोग के साथ है, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तनशील है। तो ये सातत्य रूप में ताल पद्धति भी एक हम लोग की ऐसी विचारधारा है जो हम लोग के साथ सातत्य रूप में कंटिन्यूस रूप में हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं, परिवर्तनशील भी रहा है, लेकिन परिवर्तन अपने मूल सिद्धांतों को हटाकर नहीं किया गया है, वो परिवर्तन उसमें लगातार अभिवृद्धि के लिए किया गया है। तो इसमें जो हम जानते हैं अभी परिभाषा में भी आया था कला पात लयान्वित, ये उन्होंने ताल के विषय में भरत मुनि ने कहा। यहाँ पर बता देना आवश्यक होगा कि कला पात ये जो दो संज्ञाएं हैं ये मार्ग तालों के संदर्भ में पारिभाषिक शब्द संज्ञाएं हैं। कला ऐसे तो बहुत व्यापक रूप से संगीत में बहुत स्थानों पर प्रयोग हुआ है, कला के रूप में भी हम जानते हैं, लेकिन जब ये कला शब्द आपके पारिभाषिक शब्दावली के रूप में जब आता है तो कला का अर्थ होता है निशब्द क्रियाएं, और पात का अर्थ होता है सशब्द क्रियाएं। अब ये निशब्द और सशब्द कौन सी क्रियाएं हैं? तो आज हम जानते हैं कि हम ताल जब भी लगाते हैं, उत्तर भारत की अगर मैं बात करूँ विशेषतः, तो हम कुछ को ताली के द्वारा ताल देकर वो करते हैं और कुछ को विभागों को हम खाली के रूप में व्यक्त करते हैं। ये जो दो अलग अलग क्रियाएं हैं ये दो क्रियाएं ही सशब्द और निशब्द के रूप में मानी जा सकती हैं, लेकिन प्राचीन काल में अगर हम देखें मार्ग तालों के संदर्भ में तो वहाँ पर 4 सशब्द क्रियाएं और 4 निशब्द क्रियाओं का वर्णन प्राप्त होता है। उनके नाम भी मैं क्रमशः थोड़ा सा बता देता हूँ, तब यहाँ पर इनके साथ जो है मार्ग तालों की चर्चा करना जो है उपयोगी होगा। तो सबसे पहले आता है ध्रुव, एक ध्रुव जो था उसमें हमें चुटकी बजाते हुए अपने हस्त को नीचे की ओर लाना, ये जो क्रिया है इसका नाम ध्रुव रखा गया। उसके बाद आज जो हम अपने बाएं हाथ को स्थिर रखते हुए दाहिने हाथ से आघात करते हैं इस क्रिया को कहा गया शम्या, और इसके विपरीत अगर हम अपने दाहिने हाथ को स्थिर रखें और बाएं हाथ से आघात करें तो ये क्रिया जो है अलग हो जाती है। हम आज को किसी भी हाथ से ताल लगा देते ऐसे लगा चाहे ऐसे, लेकिन प्राचीन काल में मार्ग तालों के संदर्भ में ये सब क्रियाएं पारिभाषिक थी। तो अगर हम बाएं हाथ को स्थिर रखें और दाहिने से आघात करें तब शम्या होगी, और अगर दाहिने हाथ को स्थिर रखें बाएं से आघात करें तब ये ताल थी, और अंत में जब दोनों को हस्त को बराबर हम वजन देते हुए एक साथ आघात करते हैं तो ये क्रिया जो है सन्निपात कहलाती है। इन्हीं का संक्षेप रूप में आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर सन श ता श इस प्रकार के अक्षर लिखे गए हैं। ये सन श ता श जो है वो सन्निपात शम्या ताल इन्हीं के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त ये 4 सशब्द क्रियाओं के अतिरिक्त 4 निशब्द क्रियाओं का भी प्रयोग मार्ग तालों के साथ किया जाता था। आज हम केवल विक्षेप जो हाथों को अपने दाहिनी ओर झटकते हैं खाली के दर्शाने के लिए इसी को हम एक निशब्द क्रिया मानते हैं, जबकि प्राचीन काल में इसके भी 4 प्रकार थे।
आवाक, आद को रखकर संकुचन करना, निष्क्राम मुट्ठी को उल्टा करके खोल देना, और विक्षेप जैसा कि हम जानते हैं आज खाली का जो स्वरूप है वैसा ही कुछ, और प्रवेश हाथ को सीधे रखते हुए अपने उंगलियों का संकुचन करना। ये ताल के मात्राओं के अनुरूप कार्य किया जाता था, ताल की जैसी जैसी स्वरूप है उसके साथ ही इनका प्रयोग किया जाता था। तो मैं पुनः अपने इस स्लाइड पर वापस आता हूँ जिसमें चचतपुट ताल, ये जो चचतपुट ताल आपको दिख रहा है इसमें गुरु गुरु लघु प्लुट ये इसका स्वरूप था। तो गुरु मतलब हमेशा से हम कोई भी अगर एक कोई कालमान की दृष्टि से तो मैंने बताया कि 5 निमेश 10 निमेश और 15 निमेश का उसके साथ संयोग था, लेकिन हम आज के संदर्भ में अगर इसे समझना चाहें तो हम किसी भी कालमान को अगर हम कहें कि 1 2 3 4 ऐसा एक हम एक लय अगर बना लेते हैं तो दो काल जो दो हैं उसको हम गुरु मानेंगे, एक को लघु माने और 3 को प्लुत माने। तो इसका स्वरूप कुछ ऐसा होगा 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2। तो इसके साथ जो क्रियाएं जहाँ जहाँ पे जो लिखी हैं उसको हस्त विधि द्वारा वहाँ पर दिखाया जाता था, और सन 2 श 2 ता श 2 3 इस प्रकार से सन 1 श 2 ता श 2 3 सन। ये जो स्वरूप बनता है ये अपने आप में विभागों को भी दर्शा सकता है। अगर आप आज के संदर्भ में ताल पद्धति को समझें तो हम जानते हैं कि कोई भी ताल लिखते हैं तो उसके विभाग हमको जरूर बताने पड़ते हैं कि वहाँ पर ये 2 मात्रे का विभाग है या 3 मात्रे का विभाग है या ये 5 मात्रे का विभाग है। आज ये परिवर्तन हुआ है लेकिन प्राचीन काल में ये जो गुरु गुरु लघु प्लुत का जो स्वरूप है इसके द्वारा ही हम तालों के मात्राओं को भी दर्शाते थे और तालों के विभाग को भी दर्शाते थे। अब तालों को मात्राओं को कैसे देखा जाता था? प्राचीन काल में मात्रा को अलग से कोई काउंटिंग के रूप में ना देखते हुए, ये बाद में हम लोग के ताल में जुड़ा, वहाँ पर जो गुरु है गुरु के रूप में प्रत्येक इकाइयों को अगर हम व्यक्त कर दें, जैसे अगर हमको पूछा जाए कि चचतपुट ताल है तो ये कितने, इसकी लंबाई कितनी है, इसको बताने के लिए हमको प्रत्येक अक्षरों को प्रत्येक इकाइयों को वहाँ पर गुरु के संदर्भ में जोड़ लेना होता था। जैसे एक गुरु यानी 1 काउंट कर लिए, दूसरे गुरु को भी 2 काउंट कर लिए, लघु यानी गुरु का आधा 1.5 और प्लुत यानी गुरु का 1.5 गुना यानी 1.5 या 1.5। तो हाफ प्लस 1.5 इसको अगर हम जोड़ ले तो फिर 2 हो जाता है। तो ये जो स्वरूप मिलता है कि चचतपुट वो 4 गुरु, इसकी लंबाई को अगर हमको व्यक्त करना हो, आज हम जैसे मात्राओं में बताते हैं कि 3 ताल 16 मात्रे का है, 1 ताल जो है 12 मात्रे का है, तो वैसे ही चचतपुट की लंबाई को अगर हम लोग को बताना हो तो चचतपुट 4 गुरु अक्षरों का योग से बनता है। दूसरा ताल है चाचपुट। चाचपुट में आप देखें गुरु लघु लघु गुरु इस प्रकार से इसका क्रम होता था, और जो क्रियाएं थी सशब्द क्रियाएं सन श ताश वो इसी प्रकार से जो है। इसका अगर हम लंबाई निकालना चाहें तो 2 लघु को हम जोड़ के 1 गुरु बना सकते हैं और 3 गुरुओं का इसका कुल लंबाई हो जाएगी। इसके बाद जो अन्य 2 ताल हैं वो है षठ पिता पुत्रक। षट पिता पुत्र का स्वरूप है प्लुत लघु गुरु, गुरु लघु प्लुत, प्लुत लघु गुरु, गुरु लघु प्लुत। इसके संख्या को भी अगर हम जोड़ें तो प्लुत और प्लुत को जोड़ लेंगे तो 3 गुरु, गुरु गुरु को जोड़ लेंगे तो 2 और 5, और 2 लघु को जोड़ने पर 1, यानी 6 गुरुओं की इसकी लंबाई है। ऐसे ही संपकेष्टा भी 6 गुरुओं से युक्त है, और उद्घट्ट यहाँ पर आप देखेंगे उद्घट्ट ताल केवल 3 गुरुओं से युक्त है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नी एक आया है। ये जो नी है ये एकमात्र ऐसा मार्ग ताल है जिसमें निशब्द क्रिया को यथाक्षर विधि में प्रयोग किया गया। ऐसा एकमात्र इन 5 तालों में से आप देख रहे हैं, जहाँ पर भी इसके पूर्व के ताल थे वहाँ पर या तो सशब्द क्रियाओं का ही सन्निपात से ही अक्सर प्रारंभ होता था और सशब्द क्रियाओं के साथ ही उनका व्यक्त किया जाता था यथाक्षर स्वरूप, लेकिन उद्घट्ट ऐसा एकमात्र ताल है जिसको
निशब्द क्रिया के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है, और निष्क्राम नी जो है वो निष्क्राम को डिनोट कर रहा है, और उसके बाद शम्या, दो बार शम्या का प्रयोग है। अब यदि हम जो है इसके आगे चर्चा करें थोड़ी सी और, तो चच्छत्पुट तालों का जो स्वरूप है, हमने कला और पात को तो समझ लिया था, लेकिन एक पारिभाषिक शब्दावली जो भरत मुनि ने और बताई थी वह थी लय। लय जो आज हम समझते हैं ताल की गति के रूप में, यह जो विचार है यह कुछ बाद में हम लोग के संगीत में जुड़ी। प्राचीन काल में जो लय का स्वरूप होता था वो संगीत रत्नाकर में सबसे अच्छा परिभाषित किया गया है, क्रिया अनंतर विश्रांतिर लय। क्रियाओं के बीच के अनंतर, क्रियाओं के बीच के जो अंतर में जो क्रियानंतर के बाद विश्रांति, विश्रांति यानी पॉज, जो हम बीच में गैप देते हैं, जैसे हमने कहा एक दो, तो ये जो एक और दो के बीच में जो गैप पड़ा, जो पॉज पड़ा, ये लय है। और इस परिभाषा को मानने से होता क्या है, इस परिभाषा से एक नई तरह की जो है बात हम लोग के संगीत में जोड़ती है, क्योंकि हम जब गति के रूप में हम लय को समझते हैं आज के संदर्भ में, तो हम कहते हैं कि विलंबित, मध्य और द्रुत, ये हम लोग लय को तीन प्रकार के जो लय हैं इसका क्रम आज हम कहते हैं कि विलंबित, मध्य, द्रुत। क्यों कहते हैं, क्योंकि विलंबित से उसकी गति मध्य में दोगुनी या और बढ़ जाती है, मध्य से और गति बढ़ती है, तो उसको हम द्रुत कहते हैं। लेकिन प्राचीन काल में जो आप परिभाषाएं देखेंगे जहाँ पर लय को वहाँ पर वर्णन भी किया जाता है, वहाँ पर द्रुत, मध्य, विलंबित, इसका ठीक विपरीत क्रम वहाँ पर वर्णित किया जाता है। ऐसा करने का कारण क्या है, ऐसा करने का कारण ही यह है कि हम जब क्रियाओं के बीच के अनंतर की जो विश्रांति है, उनके बीच के जो पॉज है, उसको जब हम लय मान रहे हैं, तो लय का बढ़ना यानी क्रियाओं के बीच में पॉज का बढ़ना, क्रियाओं के बीच में विश्रांति का बढ़ना। और हम आज विश्रांति को अगर बढ़ा के देखें, जैसे एक दो, ये अगर मैंने अगर चार को अगर हम काउंट करें, मान लीजिए एक लय में एक दो तीन चार, ये मान लीजिए काउंटिंग है, इसके बीच में अगर हम पॉज को बढ़ा दें, विश्रांति को बढ़ा दें, तो एक दो तीन चार, अपने आप देख रहे हैं कि आज के संदर्भ में अगर हम सोच रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, लय घट जा रही है। लेकिन प्राचीन काल में इसी को लय का बढ़ना कहा जाता था, जिस प्रकार से विश्रांति बढ़ेगी उस प्रकार से लय बढ़ेगा। तो ये जो परिभाषिक जो अंतर है आज के लय के और प्राचीन के लय में, इसीलिए हम जो है द्रुत, मध्य, विलंबित प्राचीन काल के ग्रंथों में प्राप्त करते हैं, क्योंकि द्रुत जो है वो सबसे ज़्यादा लय होगा, सबसे कम लय होगा, और उसके बाद जैसे जैसे लय बढ़ेगा, उनके हिसाब से लय बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो मध्य होगा, और लय बढ़ेगा तो वो विलंबित होगा। और ये जो लय का बढ़ना है वो आज के संदर्भ में मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर हम कहें कि द्रुत से बढ़कर मध्य में पहुँचे, तो ये गति के संदर्भ में नहीं, पॉज के संदर्भ में, विश्रांति के संदर्भ में कहा जाता है। तो आज जिसे हम था दुगुन तिगुन चौगुन इस प्रकार से जो प्रयोग करते हैं, प्रयोग में हम कहते हैं इनको, इन प्रयोगों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, प्राचीन काल में यथाक्षर, ये जो है ताल का मुख्य स्वरूप या जो बेसिक स्वरूप है, जिसे हम आज ठा के रूप में कहते हैं, वो यथाक्षर रूप में कहा जाता था। और जैसे ही उनकी विश्रांति उसकी दुगुनी होती थी, उसकी विश्रांति उसका पॉज दुगुना हो जाता था, तो वह द्विकल कहलाता था, द्विकल। और उसके दुगुना, जब द्विकल का भी दुगुना हो जाएगी विश्रांति, तब उसे चतुष्कल कहा जाता था। तो इसको कुछ मैंने चार्ट में समझाने का एक संक्षेप में प्रयास किया है कि जो यथाक्षर है वह तो गुरु गुरु लघुप्लुत है, लेकिन द्विकल में क्या होगा कि वह सभी दुगुने हो जाएंगे। दुगुना कैसे किया जाए, यानी जितने भी अक्षर हैं, जितने भी मेरे वो क्रियाएं हैं, उनको मैं दो दो बार पहले तो लिख लूँ। तो आप देखेंगे मैंने पहले लाइन में लिखा हुआ है गुरु 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 लघु लघु प्लुत प्लुत। अब इन सभी अक्षरों को मैंने जैसा पहले भी बताया कि मार्ग जो है जब उसका निर्धारण किया जाता तो सबको गुरु के संदर्भ में जोड़ लिया जाता था, और द्विकल को, द्विकल के जो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं, तो गुरु गुरु को तो जहाँ जहाँ पे गुरु है उसको छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर दो लघु मिलते हैं उनको जोड़कर गुरु कर लिया जाता है। और प्लुत को, प्लुत हम लोग ने बताया कि वो डेढ़ गुरु के बराबर, 1.5, तो 1.5 का अगर दो बार हम वो करें, मल्टीप्लाई करें, तो 3 हो जाएगा।
तो आप देखिए नीचे तीन गुरु फिर लिखे हुए हैं, और इस प्रकार से इसका जो है स्वरूप सब अब द्विकल में गुरु के रूप में लिख लिया जाता था। उसके बाद नी और प्र, ये जो दो निशब्द क्रियाएं हैं निष्क्राम और प्रवेश, इन दोनों निशब्द क्रियाओं को हर गुरु के नीचे पहले लिख लिया जाता था क्रम से, इसी प्रकार से नी प्र नी प्र नी प्र। विभाग में आप देखेंगे कि गुरु जहाँ भी आ रहा है उससे मतलब नहीं है, आप नी प्र को क्रमशः भरते चलेंगे। और उसके नीचे जो आपका सशब्द क्रियाएं थे, यहाँ पर सशब्द क्रियाओं का क्रम जो है वह उल्टा हो जाता है। जहाँ पर हम देख रहे थे कि यथाक्षर में संशताश था, यहाँ पर उसी को ठीक विपरीत क्रम में, अगर साइकिल के रूप में हम जब भी होता है लय वो आवर्तन के रूप में ही होता है, तो यहाँ पर सन्निपात जो है वह पहले अक्षर पर ना होकर अंतिम अक्षर पर चला जाता है। जैसे कि श्रुतियों में हम लोग पढ़ते हैं कि स्वरों को कैसे स्थापित किया गया अंतिम श्रुतियों पर, कुछ उसी प्रकार का जो तालों में भी ये प्रयोग है कि द्विकल और चतुष्कल में जो सन्निपात होता था जिसे हम मुख्य मानते थे, जो सम के रूप में हम समझते थे, उसको हम अंत स्थान पर ले जाते हैं और उसका क्रम बदल के श ता श सन बन जाता है। और ठीक इसको हम नीचे जो है उसी प्रकार से कॉपी कर लेते हैं, और उसके नीचे हम निष्क्राम, जहाँ जहाँ पर सशब्द क्रियाएं आ रही हैं वहाँ वहाँ पर हम उसको ले लेते हैं श, और निष्क्राम के बाद फिर ताल, शम्या, प्रवेश, निष्क्राम और सन्निपात। तो इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं कि ये द्विकल का स्वरूप बनाया गया, और इसके बाद इस प्रकार से चतुष्कल में चारों निशब्द क्रियाओं को जोड़ा जाता था। मैं समय का अतिक्रम न करूं तो मैडम का मैसेज आ चुका है, मैं कोशिश कर रहा हूं जल्द से जल्द जो है इसको समाप्त करने का। तो ये चतुष्कल का जो स्वरूप है ये यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हम लोग अगर हम लोग चर्चा करें कि देशी ताल, ये जो देशी ताल है ये कब और कैसे प्रचार में आए, तो मार्ग ताल चूँकि हम लोग ने पढ़ा कि वो गांधर्व के साथ था, गीतकों के साथ प्रयोग होता था, जिनका नियत स्वरूप होता था, उन नियत स्वरूपों के लिए जो है वहाँ पर आप जो है नियत ताल को भी बनाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग के संगीत में जिस प्रकार से क्रमशः अभिवर्धन हुआ, वहाँ पर और अभिवृद्धि हुई, तो वहाँ पर तालों को भी महसूस किया जाने लगा कि केवल इन पांच तालों में हम अपने संगीत को व्यक्त नहीं कर सकते, और यहीं से तालों का विस्तार या तालों को हम पारिभाषिक रूप से कहते हैं प्रस्तार किया जाने लगा। और प्रस्तार क्या है, हम लोग स्वरों के प्रस्तार को पढ़ते हैं कि सारे रेसा, ये एक दो स्वरों का प्रस्तार है, या सारे गा रेसा गा सागा रेगा सारे रेगा सागा रेसा, ये क्या है तीन स्वरों का प्रस्तार है। तो इस प्रकार से जो है तालों में भी क्रमशः प्रस्तार किए जाने लगे। मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर संक्षेप में बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए कि जब गुरु है, उस गुरु को अगर हम उसके छोटे छोटे इकाइयों में और बांटने लगे, लघु या लघु का भी और आधा इकाई बना दे, द्रुत द्रुत का भी और आधा इकाई बना दे, अणुद्रुत, तो इन्हीं इसी गुरु को अगर हम व्यक्त करें लघु के क्रम में तो वो लघु लघु हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पर द्रुत को सम्मिलित कर लेते हैं तो लघु द्रुत द्रुत एक स्वरूप ये बन सकता है, द्रुत लघु द्रुत एक स्वरूप ये भी बन सकता है, और द्रुत द्रुत लघु इस प्रकार का एक स्वरूप और भी बन सकता है, और अंत में द्रुत 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 इस प्रकार से चार द्रुत का भी एक समूह बन सकता है जो गुरु को दिखा रहा है। और मैंने बताया इसके ऊपर तीन प्रकार से स्वरूप लघु द्रुत के संदर्भ में हो सकता है, और लघु लघु को भी एक साथ गिने तो वो भी एक स्वरूप है। तो ये जो तालों का क्रमशः बढ़ाने की विधि है इसे हम प्रस्तार कहते हैं। और प्रस्तार के लिए जब आचार्यों ने अपने अपने कालखंड में विचार किए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि लगातार तालों की संख्याएं बढ़ती चली गई। कितनी बढ़ी और इसकी संख्याएं नियत न होने की वजह से मैंने यहाँ पर एक चार्ट जो है संक्षेप में रखा है कि अलग अलग ग्रंथकारों ने अलग अलग कालखंडों में अपने जब ग्रंथ लिखे तो उन्होंने अलग अलग तालों की संख्याओं को लिखा, और हो सकता है कि उनके कालखंड में उस पर प्रयोग भी रहा होगा, और इसी कारण से उन्होंने सबने अपने अपने अनुसार तालों की संख्याएं बताई। और यहाँ पर उल्लेख करने की बात एक ये विशेष हो जाती है कि मार्ग तालों को पांच संख्याएं नियत होने के कारण से उसका स्वरूप जो है उसकी जो उसका जो महत्व है वो हमेशा से कालखंड में एक जैसा ही रहा। हमेशा से किसी ने भी पांच बार तालों को छः नहीं किया या उसको चार नहीं किया, उसके नाम को भी नहीं बदला, उसके स्वरूप को भी नहीं बदला।
लेकिन देशी तालों में चूंकि स्वच्छंदता मिल गई तो वहां पर लगातार परिवर्तन लोग करते गए। और आप देख सकते हैं इस चार्ट में जो है अलग अलग, कम से कम अगर देखा जाए तो 15 देशी ताल भी हैं और अधिक से अधिक 244 देशी तालों तक का जो है ग्रंथकारों ने, और संगीत रत्नाकर यहाँ पर बीच में चूंकि सबसे जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है हम लोग के संगीत का, वहाँ पर 120 देशी तालों का जो स्वरूप है वो बहुत ही प्रचार प्रसार में आया भी। यहाँ पर एक छोटी सी बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, आप देख सकते हैं 10वें 11वें और 12वें क्रम में 3 ग्रंथ हैं, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर और अनूप संगीतांकुश। ये तीनों ही ग्रंथ एक ही आचार्य भावभट्ट द्वारा लिखा गया, और आप देखिए कि एक ही आचार्य ने सबसे न्यूनतम से न्यूनतम संख्या 15 भी देशी ताल माने, और अपने ही दूसरे ग्रंथ में उन्होंने 50 माने, और अपने एक और ग्रंथ अनूप संगीत विलास में 244 तक माने, जो हाईएस्ट कहा जा सकता है। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि लगातार, जैसे हमने बताया, प्रस्तार करने की कोई भी जो है नियत हम बांध ही नहीं सकते। जब प्रस्तार पर हम काम करना शुरू करते हैं तो हम वहाँ पर कितने भी इकाइयों को बढ़ा सकते हैं, कितने भी स्वरूपों को हम क्रम परिवर्तन कर सकते हैं। तो परम्यूटेशन और कम्बिनेशन ये लगातार जो है करते चलेंगे तो वहाँ पर क्रमशः तालों की संख्या असंख्य तक हो सकती है, और इसीलिए अलग अलग कालखंडों में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग वहाँ पर माने। अब हम अपने व्याख्यान के अंत में जो है उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय इन दोनों जो ताल की पद्धतियाँ हैं आज जिसे हम जानते हैं, उसमें अगर हम देखना चाहें कि उसमें सातत्य क्या है, क्या क्या चीज़ें जो है कंटिन्यूस रूप से हम लोग को प्राप्त होती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो परिवर्तनशील हैं, परिवर्तन हुए हैं बहुत सारे, तो उत्तर भारत का अगर सबसे पहले हम चर्चा करें तो उत्तर भारत संगीत में सबसे बड़ा जो परिवर्तन है ये आचार्य डॉक्टर लालबड़ी मिश्र जी ने भी अपने ग्रंथ भारतीय संगीत वाद्य में कहा है कि उत्तर भारत में संगीत में जो भी परिवर्तन प्राचीन काल से अभी तक हुए हैं उनमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि तालों के साथ ठेकों का समावेश होना। आज हम ताल मतलब समझते हैं कि धा धिन धिन धा यही तीन ताल है। अगर हम कहें कि नहीं धिन धा त्रिकृत धिन धिन ये तीन ताल है तो कहेंगे नहीं आप गलत कह रहे हैं। तो ये आज को जो है स्कॉलर्स यही हमेशा से पढ़ते आते हैं कि जो है ताल मतलब उसका एक नियमबद्ध जो है विभाग होगा, नियमबद्ध उसके जो है मात्राएँ होंगी, और साथ ही साथ उसके उत्तर भारत में ठेके भी निर्धारित कर दिए गए हैं। ये ठेके का जो स्वरूप है रत्नाकर के काल से ही लगातार इसमें पाठाक्षरों का जो है संयोग होता गया। पाठाक्षर जो है वो वाद्य के अलग अलग जो भी सितार में भी पाठाक्षर हो सकते हैं, वाद्य में, ताल में, तो पखावज में, सभी में जो है पाठाक्षर थे। उन पाठाक्षरों को ही बाद में नियमबद्ध रूप से ताल के साथ जोड़ देने का जो काम उत्तर भारत में हुआ है ये मेरी जानकारी में जो है अन्य भारत के क्या विश्व के किसी अन्य जो है संगीत पद्धति में ऐसा काम नहीं हुआ है। जहाँ पर भी हम ताल का स्वरूप वेस्टर्न में भी पढ़ें या अन्य किसी भी विधा में पढ़ें वहाँ पर हम कहीं पर भी ठेके का स्वरूप निर्धारित नहीं है जैसा कि उत्तर भारत में किया गया है। इससे एक लाभ क्या हुआ है? इससे लाभ ये हुआ है कि हम लोग की जो प्राचीन ताल व्यवस्था है या दक्षिण की भी जो ताल व्यवस्था है वहाँ पर वो श्रव्य दृश्यात्मक है। श्रव्य दृश्यात्मक यानी ताल को केवल हम सुनकर नहीं हमको देखना भी पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि अगर सन्निपात को हम ऐसे ना दिखाएं, ताल को हम दाएं हाथ से उसमें आघात ना करें, शम्या को बाएं हाथ से ना करें, तो अपने आप ही ये जो है किसी भी विद्वान को, किसी को भी गाते समय बजाते समय वो जब तक उसको देखेगा नहीं तब तक वहाँ पर उसको समझने में नहीं आएगा कि ताल का कौन सा मात्रा चल रहा है, कौन सा विभाग चल रहा है। और ठेके का जब समावेश उत्तर भारत में कर दिया गया तो इसको में से दृश्य तत्व को हटाते हुए केवल श्रव्यात्मक बना दिया गया। आज हम जानते हैं कि एक से एक महान गायक हुए हैं जो प्रज्ञा चक्षु रहे हैं, और उनके अगर उनका अगर समावेश हम लोग के संगीत में हो पाया वो जो है अच्छे कलाकार और अच्छे विद्वान हो सके, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमने ताल में से जो दृश्य तत्व था उसको हम लोग ने हटाकर श्रव्यात्मक बनाया और ठेकों का समावेश किया। दक्षिण भारत का मैं आगे चर्चा करना चाहता था लेकिन मैं समयाभाव में शायद मैं अपने समय से अतिक्रम ना कर जाऊं, तो इसके बाद जो दक्षिण भारतीय ताल पद्धति है वहां पर हम देखते हैं कि आज भी लघु, द्रुत, अणुद्रुत इस प्रकार के 3 इकाइयों का प्रयोग होता है, जैसा कि मार्ग तालों में
शायद मेरा स्लाइड अब आ नहीं रहा है क्या, ये आप लोग को दिख रहा है? क्या मेरी आवाज आ रही है, कोई बता सकता है? हाँ जी वाईफाई तो जुड़ से ना साइलेंट देखो है and